शांति से बैठ के केदारेश्वर महादेव की कथा का दर्शन, मानसिक रूप से केदारेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। भगवान विष्णु ने जब मानस अवतार लेकर नरनायण, तो नर और नारायण दोनों ने केदारेश्वर की उस पवित्र धरती पर जहां बैठकर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करके उस भूमि का आकर्षण अपने तत्व में समेत कर लेते हैं। देखिए यहां पर कई आचार्यों ने अलग अलग मत बताया है, पर जो सहज मत है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। प्राचीन काल में जहां पर भी तप और जप किया जाता था वो सारी जगहें ऐसी होती थी जो बेहड़ हो, सुनी हो, जहां कोई आता और जाता न हो, या इस जगह की कोई सम्मान या कोई वैल्यू न हो, ऐसी जगह महापुरुष अपना आसन डालते थे। नर नारायण ने निश्चय किया कि ऐसी पवित्र जगह होने के बाद भी संसार का एक प्राणी वहां नहीं जाता है और उसका लाभ प्राणी मात्र को प्राप्त नहीं होता है, तो सबसे पहले किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद तीर्थ रास्ता खोल देता है। नर नारायण भगवान दोनों शिव जी की आराधना करने के लिए उन बेहड़ पत्थरों में बैठ गए जहां पर एक पौधा नहीं हुआ करता था। अब आप याद रखिए, जहां पौधा नहीं वहां ऑक्सीजन की कमी तो रहती है, और योग दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि जब आदमी को ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही न पड़े और बिना ऑक्सीजन के ही वो ऑक्साइड हो जाए, उस समय भगवान का मिलना संभव हो जाता है। जब तक कोई प्राणी श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, तब तक भगवान से तालमेल बैठने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए ऋषियों ने प्राणायाम का सिद्धांत बताया। ऋषि कहते हैं कि प्राणायाम कर लोगे तो ईश्वर के नजदीक पहुंच जाओगे। क्यों? श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना ये भी एक उद्योगी है, ये भी एक कर्मी है। आदमी जब इस श्वास श्वास के उद्योग में लगा रहता है तो उसका पूरा चित्त परमात्मा से जुड़ता नहीं है। इसीलिए पहले श्वास छोड़ना, फिर लेना, और दोनों पे अधिकार बनाने का अभ्यास बनाना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रति आहार धारणा ध्यान और समाधि, ऐसे शास्त्र हैं। योग दर्शन में ऐसा नियम है, प्रभु को प्राप्त करने का एक नियम है ये, और दूसरा नियम ग्रंथ में ज्ञान भक्ति कर्म भक्ति वैराग्य भक्ति और ग्रंथ में उतर के आ जाए कलयुग में, तो फिर सत्संग भक्ति, कीर्तन भक्ति, साधु संगति भक्ति, सेवा भक्ति, अर्चना भक्ति, ये सारी भक्तियां रामायण में आती हैं। सरल कर दिया फार्मूले को ऋषियों का थोड़ा कठिन है, बाबा लोगों का, साधुओं का थोड़ा और सरल है, पंडितों का तो बिल्कुल भी सरल है, कुछ भी नहीं करने का। पंडितों की भक्ति में तो खाली 1100 रुपए दे जा और पूजा करवा जा, हो गई भक्ति, जा। पंडितों की बड़ी सरल भक्ति है। तो देखिए, चढ़ने में पहाड़ पे तकलीफ हो सकती है, पर वहां चढ़ के जो हवा लगती है वो धरती पे प्राप्त होती। तो भाई हवा अच्छी चाहिए तो थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान अच्छा चाहिए, कीर्ति अच्छी चाहिए, भगवान का अनुराग प्रेम अच्छा चाहिए, तो थोड़ा नियम संयम से भक्ति को बढ़ाना चाहिए। किसी ज्ञान गुरु के पास जाके लीजिए भक्ति, किसी सतपुरुष के पास जाके भक्ति लीजिए। जिसके खजाने में कमल का फूल होगा वो कमल का फूल दे देगा, और जो बबूल के फूल लेके बाजार में बैठा है वो कैसे कमल का फूल देगा। इसीलिए अपने जीवन में एक टीचर अर्थात ज्ञान सिखाने वाला जो गुरु होता है ना, वो भी समझ सोच के ही दोस्ती करो गुरु से। ऐसे गुरु से दोस्ती करो जो पैर की उंगली से बालों तक भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, धर्म से, सदाचार से, संयम से भरा हुआ हो, क्योंकि कभी नहीं समझता ये इंद्रियों के बारे में। इंद्रियां कभी भी हल्की हो जाती हैं और ये मन कभी भी हलने लगता है, इसलिए कभी भरोसा नहीं किसी सिस्टम का। आज साधना कल नहीं,
बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना को भंग होते देखा। मुनि नारद वो विश्वामित्र को इसने नचाया है, मुनि नारद वो विश्वामित्र को इसने नचाया है। ये दो शब्दों की है स्वामी, ऊधम ऐसा मचाया है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती कभी भी जीव को, प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये माया बड़े बड़े योगियों को भंग कर देती है, तो साधु संत महात्मा पाखंडियों तो पहले से ही भंगे बेचारे है, योगियों को भंग कर देती है, तो ये भोगियों का क्या करने का। इसीलिए भगवान करे सबका योग जिंदाबाद रहे, समस्त प्राणी मात्र की भक्ति सरस रहे, श्रेष्ठ रहे, और कुछ अच्छे आचरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हुए चले तो फिर अपना जीवन बड़ा अच्छा और निश्चित हो जाता है। आज नर नारायण भगवान ने आराधना, उपासना और अर्चना, ये तीन विधियों को पालन किया। पहले उपासना, उपासनम गते तिष्ठा इति उपासना। उपासना कहते हैं पहले तो किसी चीज के नजदीक बैठो। उपासना माने राम राम जपना नहीं है। उप माने पास, उप माने नजदीक, आसना माने बैठना। पहले तो आप किसी के नजदीक बैठने का अभ्यास बनाओ, उसे उपासना कहते हैं। और फिर आराधना, फिर आराधना, फिर याद करो, चिंतन करो कि मुझे करना क्या है। और फिर अर्चना, फिर आचरण करो। अर्चना माने आचरण करो, फिर प्रैक्टिकल करो, फिर फार्मूले को ओपन करो, फिर आगे क्या करना है। साध्यम गते मंत्र प्रवर्त प्रवणनम न मंत्र योगे न दर्शनम। फिर साध्य हो जाइए, साधना को चालू कर दीजिए और मंत्र का अनुभव करते रहिए, मंत्र के स्वामी का अनुभव करते रहिए, मंत्र के देवता का अनुभव करते रहिए। और अनुभव करते 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 एक दिन सहस्र अनुभव हो जाएगा। अभ्यास जब ज्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा ये जो टेलर रहता है ना, टेलर जब ये 10-20 साल पुराना हो जाता है ना टेलर, तो फिर ये क्या करता है, जीजा जी आ गए, उनसे बातें कर रहा है और नीचे पैर धर 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 धर, मशीन भी चल रही है और एकदम सीधी दौड़ती है कपड़े, और बात भी कर रहा, इधर भी देख रहा उधर भी देख रहा, तो मशीन सीधी दौड़ रही है, कपड़े कोई घुमाता बैठता है अंदाज से। तो अभ्यास के कारण ये सारी चीजें सरल हो जाती है। जब भक्ति का साधना का अभ्यास मजबूत हो जाए तो जीजा साली पूपा फापी कक्का किक्की इनसे भी प्यार कर लो, फिर ये संसार भी तकलीफ नहीं देता है, संसार भी तकलीफ नहीं देगा, संसार भी तुम्हारी गुलाम हो जाएगा। जब तक हमारी साधना कच्ची है तब तक संसार से ज्यादा लाड़ लड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले मशीन चलाना सीख लो पहले अच्छी तरह से, फिर कार्य बराबर हो जाएगा। जी आपने कभी सुनार की दुकान पर हथौड़े की चोट की आवाज सुनी है? लोहार की दुकान पर तो खूब आवाज आती है, सुनार की दुकान पर आवाज नहीं आती हथौड़े की। अब कारण क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो गरीब आदमी हूं भाई, तुम लोग बड़े पैसे वाले हैं, सुनार से ज्यादा संबंध आता तुम्हारा है जी। महाराज बड़ा फंसा डालते हैं, भाई सुनार की दुकान पे हथौड़े की आवाज क्यों ना आती। अपना 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 ही मारे दुश्मन क्या बिगाड़े है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, अब और सुना देते। हथौड़ा लोहार की दुकान में चलता है स्वामी जी, तो हथौड़ा लोहे का होता है और लोहे के ऊपर ही चलता है इसलिए आवाज करता है। और सुनार की दुकान में हथौड़ा लोहे का होता है और सोना चांदी और तांबे के ऊपर चलता है। जो दूसरों के ऊपर चलता है उसकी कोई आवाज नहीं, और जो अपने ऊपर ही चलता है उसकी आवाज खूब आवाज आती है। इसलिए अपनी जाति वाले के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी आवाज आएगी। और दूसरी जाति पे ठोक के दिया तो आवाज नहीं आती है। लोहा अपनी जाति पे बरसता है तो धड़ाम धड़ूम धड़ाम धड़ूम है, और सोने पे बरसता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं। कारण ये है कि आप कथा सुन रहे हैं इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ रही हैं। आज
अपनों अपनों पे बरसने की बात आई।